Now, second chapter of SST in economics, that is the story of village Palampur. Palampur story, एक village की story जो developed है, उसमें ये बताया गया है, पहले उसका background है कि क्या क्या उस village में अभी है, कैसा एक वातावरण है, एक environment इस village का बना हुआ है. पहली बात पालमपुर के साथ एक अच्छी है, पॉजिटिव है कि वो दो नेबरिंग विलेज टाउन के साथ है. पहला है रायगंज, एक डेवलप्ड विलेज के पास ही रायगंज, और दूसरा है शाहपुर, ये एक डेवलप्ड टाउन है. देखिए बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि ये वेल कनेक्टेड है इनसे. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई गांव है, वो एक सिटी से वेल कनेक्टेड हुआ, सिटी के पास हो, धीरे धीरे हम पढ़ते हैं कि अर्बनाइजेशन होता है. अर्बनाइजेशन मतलब कि गांव भी शहर बनने लग जाते हैं, तो एक तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट वहां तक पहुंचने लग जाता है. और यही पालमपुर के साथ भी है, रायगंज डेवलप विलेज के पास, और दूसरा दोनों नेबरिंग है, इसके पड़ोसी है. रायगंज विलेज और शाहपुर एक कस्बा है, टाउन है. ठीक है, आगे बात करें पालमपुर की. पालमपुर में वेल डेवलप्ड रोड है, ठीक है, जो रोड्स वगैरह वेल डेवलप्ड है, पक्की सड़कें हैं, जो गांव में हमको कम मिलती है जो पक्की सड़कें हैं. छोटा विलेज है, लगभग 450 फैमिलीज रहती है पालमपुर में, 450 फैमिलीज, जिसमें से 80 तो अपर कास्ट है, मतलब कि जो अपर कास्ट का जनरल में आता है ना, वो 80 अपर कास्ट फैमिलीज है जिनके पास लार्ज और परमानेंट हाउस, उनके पक्के घर बने हैं ईंटों के पत्थरों के, वो 80 हैं. और वन थर्ड मतलब इसका एक तिहाई लगभग 150 हुआ. वन थर्ड मतलब आपका 150 हो गया, 450 का वन थर्ड, तो वो एससी फैमिली शेड्यूल कास्ट है. उनके घर स्मॉल है, मड और स्ट्रॉ के बने हुए, यानी कच्चे घर है, हम गांव में देखते हैं मिट्टी के और घास फूस के बने हुए, मतलब कच्चे घर हम देखते हैं, वो इनके हैं, 150 फैमिली से 80 अपर कास्ट के लार्ज और परमानेंट हाउस है. तो ये पालमपुर में अभी चल रहा है, ये सीन है पार्लियामेंट इसका पालमपुर का, आप नोट कर लीजिए.